ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि यदि हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, किजेम वालोदिया और अलेक, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मज़े में हैं, जैसे आप देख ही रहे। आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है, इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी बड़ी मेहनत की, उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। हमारे देश के लोगों की निगाहें आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मालेशेफ और श्री गेनाडी स्ट्रेकलोफ की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण
नए भारत के जयघोष का है।